मेरा नाम कुशल कुमार है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का BXI वेरिएंट सबसे ज्यादा तो सेल होने वाला है, टॉप रिकमेंडेड भी है, वो इसका यही वाला वेरिएंट है, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। जो भी बंदे ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं स्विफ्ट का जिसमें आफ्टर मार्केट वर्क कराने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएं जरूरत के, तो उन्हीं के लिए है ये BXI वेरिएंट। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो इस कार का प्राइस है, 6,95,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। अगर आप लुक वाइज भी देखते हैं तो काफी बढ़िया लगती है देखने में, एक्सटीरियर से भी हो इंटीरियर से भी हो। मैंने आपको इस कार का बिल्कुल बेस मॉडल दिखाई दिया था जो कि LXI वेरिएंट था। इन दोनों वेरिएंट में 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है, फिर फीचर्स में भी काफी डिफरेंस रहेगा, वो भी सब कुछ इस वीडियो में हम देख लेंगे। जो भी बंदे मॉडिफिकेशन के फैन हैं, जिन्हें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करानी है उनके लिए तो LXI वेरिएंट है, पर लेकिन जिनको आफ्टर मार्केट वर्क बिल्कुल भी नहीं कराना, जिनको पसंद नहीं है आफ्टर मार्केट कुछ भी काम कराना, उनके लिए है BXI वेरिएंट, इसीलिए सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग होता है BXI वेरिएंट। और वैल्यू फॉर मनी भी है अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। रिजल्ट में स्टार्ट करता हूं मैं इसका के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में रहेगा यहां पर बल्ब, और ये रही ग्रिलिस कार की, सुजुकी को हो गया यहां पर लोगो, क्रोम लाइन मिल जाएगी, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको इसी तरह ग्रिल मिलती है। फोग लैंप्स आपको BXI वेरिएंट में नहीं मिलते, जो अपर मॉडल्स आएंगे उसमें आपको फोग लैंप्स मिल जाएंगे। फिर ओवरऑल उस तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। BXI वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं, इस टाइम नहीं लगे हुए इस कार में, 14 इंच के आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, 165/80 R14 इनकी प्रोफाइल रहेगी, जेके के टायर्स रहने वाले हैं, और ये रेस कार का ORM जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इंडिकेटर भी रहेगा सी पे, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। ए पिलर हो गया ब्लैक कलर का और बी पिलर भी ब्लैक कलर का रहेगा, बट जो डोर हैंडल्स और जो ORM है वो आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे। और ये रहा इंटीरियर इस कार का जो कि पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला है, बस आपको यहाँ पर ग्रे फिनिश मिल जाती है जैसे गियर नॉब के साइड में हो गया, जिस वजह से देखने में काफ़ी प्रीमियम सा लगता है इंटीरियर। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं आपको उस कार के इंटीरियर में। वो बैक डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है पिलर में, वो फ्यूल लिड हो गया इसके को ड्राइवर साइड। फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, LED टेल लाइट तो आपको उसके बेस मॉडल से मिल जाती है, फिर आप इसको कंपेयर कर दें इसके बेस मॉडल से इस वाले वेरियंट को, तो रेयर से फिर कोई भी डिफरेंस नहीं है इस कार में, ना ही आपको उसमें रेडी होगा बोस्टर बाइफर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर हो गया हाई मेंट स्टॉप लैम्प, रेयर स्पॉइलर, ऊपर की साइड हो गया एंटेना, और कुछ तरह की लगती है इसकी LED टेल लाइट, इस सेप में आपको इसकी LED टेल लाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर बैक लाइट में हो गया बल्ब, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग हो गई, 4 पार्किंग सेंसर्स रहेंगे। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस बूट में दिया गया है, और ये इस कार का बूट, 5 ट्रे हो गई यहाँ पर, इतना बूट स्पेस है इस कार में। वो ये स्पेयर व्हील 14 इंच का रहेगा, सेम प्रोफाइल रहती है। वैसे आपने देखा कुछ तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक, बेसिक फीचर्स आपको उसमें सारे मिल जाते हैं एक्सटीरियर से, जैसे आपको उसमें व्हील कवर्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर के ORM, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स, और फ्रंट प्रोफाइल देखें आप इस कार की, बैक प्रोफाइल देखें, सब कुछ बेस्ट मिलने वाली है। बस इसके BXI वेरिएंट में आपको फोग लैंप्स देखने के नहीं मिलते हैं। इस कार में आपको 1200cc का इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर डुअल जेट जो कि प्रोड्यूस करता है 89 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इंटीरियर में इस कार के। और ये रहा इंटीरियर इस कार का, देखने में काफी बढ़िया लगता है। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर, डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन मिल जाएगा, लॉक अनलॉक के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गए ORM, बाटर बोर्ड के लिए स्पेस है, डोर फाइंडर के लिए स्पेस हो गया, स्पीकर्स हैं। फिर बाहर से देखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का हो गया यहाँ पर बटन, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर है और रिक्लाइन करने का। अगर आप बैकनार्ड का BXI वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलेगा। और ये रहा बैक डोर, डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बाटर बोर्ड के लिए स्पेस है, स्पीकर्स हो गए, और ये इस कार के व्हील कवर जो कि इस कार में स्टैम्प नहीं लगे हुए हैं। तो ये इस कार का इंटीरियर जो कि पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के BXI वेरिएंट में ऑफर करे जाएंगे वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही, उस तरह का स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, लेदर रैप जो करा गया है इसका एक्सेसरीज का पार्ट है, वो ये बीच में हो गया सुजुकी का लोगो, क्रोम मिल जाएगा आपको यहाँ पर सर्कुलर में, स्टीयरिंग ऑयल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, SRS एयरबैग क्योंकि बेजिंग, फ्रंट टू एयरबैग रहने वाले हैं इस कार में। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर हो गया यहाँ पर, स्पीडोमीटर हो गया यहाँ पर, बीच में कितने साइज की मिल जाएगी आपको इसमें MID, जिसमें आपको इसके फ्यूल का कितना चल गई है कार, क्या टाइमिंग है वो आपको उसमें दिखता रहेगा, कुछ इसमें अलर्ट रहने वाली इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में।
ओयरा ड्राइवर साइड एसी वैन, ट्रैक्शन दोनों के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, ओयरा स्कार का सेंटर कंसोल, सर्कुलर में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर एसी वैंस, बीच में हो गया हजार्ड लाइट का बटन, और टूटिन का मिल जाएगा आपको उसमें एंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि देखने में तो टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लगता है। टच बटन्स मिल जाएंगे, मैनुअल एसी दी जाती है, उस तरह के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस हो गया फिर यहाँ पर कप होल्डर्स। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ इस तरह का गियर नॉब दिया जाएगा आपको इस कार में। सिल्वर फिनिश हो गई, वजह इस कार का हैंड ब्रेक, आपको थोड़ा स्पेस फिर यहाँ पर मिल जाता है। और ये रहा इस कार का सनवाइजर, बैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का कैबिन लैंप, हैलोजन मिल जाता है आपको। IRBM मैनुअली डेनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको उसमें। और ये रहा को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, बैनिटी मिरर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगे इस कार में, जिस पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएगी, जब मैं रेयर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर नो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, बाटर बटर स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, कुछ इतने साइज का ग्लव बॉक्स रहने वाला है यहाँ पर, आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है। तो ये फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली इस कार के BXI वेरिएंट में। अगर आप इसके इंटीरियर में देखते हैं तो स्टीयरिंग और कंट्रोल्स मिल जाएंगे, टूटिन का हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला जो कि देखने में स्पोर्टी फील करा देगा आपको। सर्कुलर में आपको रेड कलर की थीम मिल जाती है। अब मैं आपको रेयर सीट पर लेके चलता हूँ उस कार के, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो कितना लेग रूम रहने वाला है इस कार में। लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बैगनार से तो हाइट कम रहने वाली है इस कार की, पर लेकिन जो विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, वो आपको स्विफ्ट में ज्यादा मिल जाएगी। और रेयर सीट और बैटर उस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। फ्रंट में आपको जैसे ना कोई दिखाई देता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में आपको उस तरह के फिक्स हेडरेस्ट दिए जाते हैं। वाटर बॉटल हो गया स्पेस यहाँ पर, कितने साइज का रहेगा बम्प, उसके डोर में भी आपको वाटर बॉटल स्पेस मिल जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। डोर में हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, कितने साइज का वाटर बॉटल हो गया स्पेस। तो भाई ओवर उस तरह का था इस कार का इंटीरियर। फीचर्स में कोई भी कमी नहीं रहती है इस कार में, इसके BXI वेरियंट में। जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। वीजे साहब ने देखा कुछ तरह का था इस कार का बुक रन, जो जो फीचर्स आपको इस कार के BXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको इस कार का एक्सरूम प्राइस बताया दिया था 6,82,000 रुपीज का। अगर आपको ये फीचर्स कम लगते हैं तो आप इसके अपर वेरिएंट को देख सकते हैं, जो कि है ZXI वेरिएंट। और इससे एक और अपर वेरिएंट मिल जाता है आपको ZXI प्लस। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।